सो हमारे पास यहाँ पे बेस ड्रॉप 100 आ चुका है और ये है यू नो लेटेस्ट TWS यहाँ पे विंग्स की तरफ से। अब यहाँ पे विंग्स ज्यादातर क्या करता है, ये लोग गेमिंग सेंटर के यहाँ पर, बट इनके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यू नो जनरल ऑडियंस के लिए भी देखने को मिलेंगे और उनमें से यहाँ पे नया निकल गया है बेस ड्रॉप 100। अब बेस ड्रॉप से इसका आपको यू नो समझ आ रहा होगा कि बेस में यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्लस ये लोग यहाँ पे पहले इनके TWS है जिसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इस बजट में काफी अच्छी बात है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे इसके यू नो फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है और आपको जो भी इसकी प्राइस देने को मिलेगी वो क्या वर्थ इट है या नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बॉक्स ही की बात करते हैं, इसे निकाल दिया है। इसमें आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो साइड में लिखा है इसमें क्या क्या स्पेक्स मिल रहे हैं। टेस्ट भी करें मैंने, ऐसी बात नहीं, बट पढ़ के बताने में ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है, इसमें आपको ओपन कनेक्ट इंस्टेंटली, मतलब इसमें अच्छा खासा है ब्लूटूथ कनेक्शन है, ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्वाड माइक नॉइस कैंसिलेशन है, तो आपके दो माइक एक साइड है, दो माइक एक साइड है। यहाँ पर आपको यहाँ पे चार्जिंग टाइम इसमें आपको 2 घंटे में 20 घंटे का यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इसका जो बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको यहाँ पे इसमें 25 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, और अगर आप इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके तो वो बैटरी बैकअप आपका 25 से यहाँ पे 20 आवर्स तक हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपको जो ऑपरेशनल रेंज है इसकी यहाँ पे 10 मीटर तक की देखने को मिल रही है, 10 मीटर तक आपके यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे अगर हम बॉक्स कंटेंट की बात करें तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिया है, ऐसा मत बोलना कि कहाँ गया, ये आपको यहाँ पे फिट होके मिलता है, तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमारा ऐसा ही रहता है जो भी है। और आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, इसमें आपको यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग केबल वो देखने को मिल रही है, इस बार इन्होंने अपना स्टिकर लगा दिया है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे विंग्स की लगती है वो ये है कि आप देख सकते हो Type-C, दोस्तों Type-C, मतलब आपको एक्सेसरीज में यहाँ पे Type-C देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है क्योंकि अब हर चीज Type-C होने वाली है। एक्स्ट्रा Type-C की ऐसी केबल्स बहुत हो जाएंगी हमारे पास, पहले माइक्रोयूएसबी पड़ी रहती थी, काफी अच्छी बात है। इसके अंदर आपको यहाँ पर इसमें इसका जो वारंटी कार्ड है वो मिल रहा है और एक यूजर मैनुअल मिल रही है, तो आप यूजर मैनुअल ऑब्वियसली इसमें पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको जितने के जो टच वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है, अब यहाँ पे 3 सेकंड तक उसको टच करके रखो और वो ऑन हो जाएगा, वो बोलेगा ACN ऑन, कोई लटकी यहाँ पे बोलेगी तो मतलब ऑन हो जाएगा। हम इसके टच कंट्रोल है, इस पर फोटो आ जाएगी स्क्रीन पे, तो वो आप देख लेना। साथ ही साथ आपको इसी बॉक्स के अंदर इसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ईयर टिप्स भी मिल रही हैं, तो अगर आपको जो डिफॉल्ट इन्होंने दिए फिट नहीं होते तो आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। इतना था इसकी अनबॉक्सिंग में, और आप इसको यू नो ऑब्वियसली टाइम से वारंटीज की रजिस्टर कर लेना ताकि आपको क्लेम करने में आसानी हो अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है। ओके, सो यहाँ पे अब इसकी केस की बात करते हैं, बॉक्स की हमने बात कर ली, तो इसमें आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश इसमें देखने को मिलती है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे लगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है, और जो आपके जो ईयर बड्स हैं यहाँ पे ये थोड़े से मुझे पकड़ने में थोड़े छोटे लगे, इनकी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है तो आसान रहती है, बट काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के हैं, इनके टिप्स काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। इसका जो ग्लॉसीपन है वो थोड़ा सा कम है कंपेयरटिव टू द बॉक्स। और फिट की बात करें तो फिट तो इनका बहुत बढ़िया है, एक्चुअली मैं आपको सुनाई दे रहा बाहर क्या हो रहा। एनीवे, इसकी जो ये फिनिश है इसमें जैसे ग्लॉसी है तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैट फिनिश काफी लोग प्रेफर करते हैं, बट अगेन वो पर्सनल प्रेफरेंस है। हिंज इसकी काफी अच्छी है, जैसे हिलती रहती है वैसे इसकी बिल्कुल भी नहीं हिल रही, काफी स्टर्डी है। इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत यहाँ पे बढ़िया है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे इनकी अगर बात करें जैसे कितनी कंफर्टेबल है, तो खुलने में इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, तो एक हाथ से यहाँ पे आराम से खुल जाते हैं और आप इधर आराम से यहाँ पे निकाल के ऐसे रख सकते हो। इनके मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो अगर मैं ऐसे उल्टा ऐसे रखूं तो गिर नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो इनका मैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट आप ऐसे मत रखना, डब्बा बंद मत कर देना, वो भी जोर से टूट जाएंगे आपके, सख्त करके लग जाते हैं बंद भी हो गया। और आपके इसमें जैसे विंग्स की जो सीरीज होती है काफी लाइट फेंकते हैं वो लोग यहाँ पर, क्योंकि जो भी इनकी गेमिंग TWS है उसमें काफी यहाँ पे लाइट का ऑप्शन होता है, तो रात को ज्यादातर लोगों को परेशान करते थे, मतलब मुझे तो थोड़ा बहुत करा है, जिनको भी यहाँ पे करा है, तो इसमें ऐसी एज सच को यहाँ पे लाइट नहीं जलती। जब आप इसे चार्ज करोगे तो अगर 20% से कम बैटरी है तो यहाँ पे बहुत रेड लाइट ब्लिंक करेगी, अगर 50-20% है तो रेड लाइट यहाँ पे स्टेबल रहेगी, और अगर 50% से ऊपर है तो जब आप लगाओगे यहाँ पे तो ब्लू लाइट जलेगी। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे इसके बैटरी लेवल्स देख सकते हो, ये आपको मैनुअल पे भी इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं इनकी जो मेन मुद्दा है वो है साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी इसमें काफी अच्छी है, लगा के आपको कैसे बताऊं, वो तो आपको जब पर्सनल एक्सपीरियंस करोगे तभी अच्छा लगेगा, बट अगर ऐसा हमें आप अच्छा रिव्यू मानते हो तो आप हमारी बात पे भरोसा कर सकते हो। यहाँ पर बेस ड्रॉप इनका नाम है, तो बेस मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा जितने मैंने अब तक यहाँ पे यूज करे हैं ईयरफोन TWS वगैरह, क्योंकि इनका नाम ही बेस ड्रॉप है, तो जब आप बेस सुनते हो तो एक हल्का फुल्का बेस होता है, एक मीडियम बेस होता है, एक हाई बेस होता है, और हाई बेस में ज्यादातर चुभने वाला बेस होता है ज्यादातर TWS में, या जो सस्ते वाले होते हैं ज्यादातर उनमें देखने को मिलता है, बट इसमें इसके प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ा यहाँ पे बेस है, तो जब आप फुल वॉल्यूम पे करोगे तो आपका पूरा जो म्यूजिक लिसनिंग का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही यहाँ पे ज्यादा अच्छा कर देता है। अब बात करें इनकी फिट की, अभी तो मैंने इसमें फिट करने की बात करी थी, अब उन्हें कान में फिट करने की बात करते हैं। तो लगाते ही तो पावर ऑन हो चुका है, बोल चुका है भाई यू रेडी टू फील इट, कनेक्ट भी हो चुका है, तो इनका फिट मुझे यहाँ पे पर्सनली काफी तगड़ा लगा। नहीं निकल रहे दोस्तों,
एनीवे जोक्स अपार्ट, ऐसा कोई नहीं करता अनलेस वो रोलर कोस्टर में यहाँ पे जा रहे हो, बट जस्ट नॉर्मल आपका यूज होता है, आप झुक रहे हो, उठा रहे हो, या इधर उधर एकदम से किसी ने बोला पलट तो आपने तो देखा तो जब आप ऐसा पलटोगे तो आपके नहीं गिरेंगे, बट आप पलटोगे ही नहीं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त अगर जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक बजा दूं ना, तो अचिंत क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे लिटरली कुछ सुनाई नहीं देगा, तो आप इन्हें लगा के पलटोगे ही नहीं। सबसे पहली बात तो यही होगी, आपने बंद कर रखे हैं ऐसे ही लगा रखे तब पलटो तो बात अलग है। बट इसी से हम यहाँ आते हैं इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे। तो जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आपको जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी बेसिक देखने को मिलता है। अब इनका TWS में पहली बार ये लोग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन लेके आए यहाँ पे विंग्स वाले, तो देखते फ्यूचर में भी और अच्छा करेंगे, बट अभी यहाँ पे काफी बेसिक देखने को यहाँ पे मिला। अब आपको जब मैंने बताया जैसे एक्टिवेट करना है तो 3 सेकंड में दबा के रखना, तो आपको एक मतलब हल्का सा ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ है। मतलब कैसे समझाऊं मैं इसे, जब आप मान लो लगाते हो तो थोड़ी सी शांति होगी ना, तो ऐसी और थोड़ी सी शांति हो जाएगी जब आपने गाने नहीं बजा रखे हो, और जब आपने गाने प्ले कर रखे हो तो एक एम्बिएंट मूड भी है इसमें, साथ में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है, तो उसका इतना फर्क देखने को नहीं मिलता आपको, बहुत यहाँ पे कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट बिना ऑडियो प्ले करे हल्का सा मुझे पर्सनली यहाँ पे लगा कि हल्का सा कुछ तो धीमा सा हो जाता है सब कुछ आजू बाजू में, बट इतना भी नहीं कि कोई ऐसे कुछ आवाज निकाल रहा हो तो वो सुनाई ना दे, वो थोड़ी बहुत सुनाई दे ही जाती है, कम सुनाई देती है बट थोड़ी बहुत तो आई जाती है, बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं होता। बात करें नंबर की, तो कितना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दे रहा है, तो आपको -30 dB तक यहाँ पे देता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। उसके बाद इसके ड्राइवर्स की बात करें तो आपको इसमें 10 mm के ड्राइवर देखने को मिल रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी वाइज आपको इस प्राइस रेंज में अच्छे खासे मतलब ऑडियो क्वालिटी आ जाएगी, बेस की तो मैंने यहाँ पहले ही बात कर चुका हूं मैं। प्लस ये है नॉर्मल लोगों के लिए, तो गेमिंग में यहाँ पे है नहीं तो लेटेंसी की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और जो मैंने बताया ब्लूटूथ 5.0 है, चार्जिंग टाइम 2 घंटे है और 25 घंटे चल जाता है, और IPX5 यहाँ पे रेटिंग है, तो छींटे वगैरह हो गया, बारिश हो गया, हल्की फुल्की जिम वगैरह हो गया, उसमें आप मस्त चलेंगे। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें आपको एक माइक टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वाड माइक यूज कर रहे हैं लोग, और मैं कल वीडियो कॉल पे था यहाँ पर, पहले मैं दूसरे वाला लगा रखे थे, उन्होंने बोला आवाज अच्छी नहीं आ रही, फिर मैंने वाले लगाए तो उन्होंने कहा ओ अब आवाज अच्छी आ रही है, तो मैं माइक टेस्ट करूंगा, तो आप लोग जज करना आपको कैसी लगती है इसकी माइक की आवाज। तो अब यहाँ पे इसके माइक टेस्ट सुनेंगे हम। मैं अपना फोन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, काफी लोग यहाँ पे अपना लैपटॉप कंप्यूटर भी यूज करते हैं, बट ज्यादा लोग फोन यूज करते हैं तो फोन ही यूज करते हैं अपना। So this is mic test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा हो कैसी आवाज आ रही है आप जज कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को चैनल को सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और होपफुली इतना इनफ होगा आप लोग जज कर पाओगे इसकी माइक क्वालिटी कैसी है यहाँ पर। तो अब बंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही था TWS के जो विंग्स हैं इनकी तरफ से, काफी अच्छे मुझे पर्सनल लगे इनका, मुझे लुक भी बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर, और फिट भी काफी बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है काफी है अपने कान में जब आप लगाओगे। और अब यहाँ पे इंडियन बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो अगर अब आप इसे खरीदते हो जाकर तो आपको फ्लिपकार्ट और ये विंग्स की लाइफ स्टाइल पे यहाँ पे आपको 2499 का ही पड़ जाएगा, हम दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे यहाँ पर। और अगर आप विंग्स की लाइफ स्टाइल पे जाओगे तो वहाँ पे प्राइस 2799 दिखा रहा होगा, जो कि इनका एक्चुअल प्राइस है, बट अभी लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए आपको 300 rupees ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो बेस, तो आप जाओ इन्हें खरीदो, दोनों अगेन मैंने बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने विंग्स के एक और प्रोडक्ट कवर करे हैं, फैंटम का इनका विंटर एडिशन आया था और फैंटम 500, तो आपको वीडियो यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ, काफी लोग लाइक बिल्कुल एंड में बोनस पॉइंट है, जो आपकी जींस की जेब होती है ये उसमें फिट आ जाता है, जो भी चोर पॉकेट होते हैं जरा सी कॉइन वाली उसमें फिट आ जाता है, एक बोनस पॉइंट मुझे अभी भी याद आया। तो ये बाकी वाले नहीं आते विंग्स की, क्योंकि गेमिंग होते हैं बड़े होते हैं थोड़े, बट एनीवे इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल की और वीडियोस देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियोस भी आ जाएंगी स्क्रीन पे उन्हें भी चेकआउट करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।